पानी को हमेशा, ये दूसरा सूत्र आप लिख लिया शायद, नहीं लिखा तो फिर रिपीट करो, पानी को हमेशा घूट घूट कर पीना, पानी को हमेशा घूट घूट कर पीना, सिप सिप करके पीना, ये है दूसरा सूत्र। कभी भी पानी घटाघट नहीं पीना, एक साथ मुंह में लोटा लगा के घटाघट घटाघट, ये बहुत खराब तरीका है पानी पीने का। पानी पीने का तरीका है वैसे ही जैसे गर्म दूध पीते हैं, एक सिप लेते हैं, फिर थोड़ी देर रुकते हैं, फिर दूसरा सिप, फिर रुकना, फिर तीसरा सिप, ऐसे पानी पीना है। आप पूछेंगे क्यों पीना है, समझ लीजिए इस बात को, क्यों पीना है। बात ऐसी है, थोड़ी देर पहले से चर्चा चल रही है, हमारा जो मुंह है ना, ये बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है। किसका? लार का। लार जिसको अंग्रेजी में आप स्लाइवा कहते हैं, और एक अंग्रेजी में सैलीवा भी कहते हैं, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है, सैलीवा, स्लाइवा, लार। ये लार का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है मुंह, और ये 24 घंटे काम करता है, इसकी कोई छुट्टी नहीं है, ना संडे है ना हॉलीडे है, दिवाली, दशहरा, हमेशा ये प्रोडक्शन यूनिट हमारी चलती रहती है। रात को आप सो जाते हैं तो भी ये फैक्ट्री चलती रहती है, और ये फैक्ट्री इतनी लार बनाती है कि आप सोच नहीं सकते। लीटर में नापेंगे तो एक दो नहीं दसियों लीटर एक दिन में 24 घंटे। तो ये लार बनाने का काम मुंह में चलता रहता है, जीभ उसमें सबसे ज्यादा मदद करती है, जीभ के साथ कुछ लार ग्रंथियां हैं वो भी काम करती है। अब ये जो लार बनती है हमारे मुंह में, ये पूरी तरह से क्षारीय है, एल्कलाइन है, पूरी तरह से एल्कलाइन। कभी भी आप इसको मुंह से निकाल के टेस्ट कर सकते हैं, लिटमस पेपर, ये एल्कलाइन है। और पेट में हमेशा अम्ल बनता है, और पेट की फैक्ट्री भी चालू रहती है हमेशा अम्ल बनाने की, एपिगैस्ट्रियम में अम्ल बनता है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं हम सब। तो पेट में बनता है अम्ल, एसिड, मुंह में बनती है लार, एल्कलाइन। ये लार है एल्कलाइन और अम्ल है एसिड, कि ये दोनों मिक्स हो तो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। तो भगवान ने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि पेट के अम्ल में मुंह की लार जाकर मिलती रहे, ताकि एसिड को न्यूट्रलाइज करे, नॉर्मल रखे, एसिड बढ़ने ना पाए। इसलिए व्यवस्था ऐसी है कि जो भी लार बनेगी वो अंदर जाएगी, लार बनेगी अंदर जाएगी, बनेगी अंदर जाएगी, बनेगी अंदर जाएगी, ये हमारे शरीर में चलता रहता है। इसलिए कहा यह गया है कि पानी को अगर आप घूट घूट कर पी रहे हैं, सिप सिप करके पी रहे हैं, तो ज्यादा मात्रा में लार अंदर जाएगी, और एक साथ घटाघट पानी पी रहे हैं तो बहुत थोड़ी सी लार अंदर जाएगी। एक गिलास पानी आपने 2 सेकंड में खत्म कर दिया, थोड़ी सी ही लार जाएगी, लेकिन उसी एक गिलास पानी को 3-4 मिनट धीरे धीरे पिएंगे तो ज्यादा लार जाएगी। पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका बताया गया आयुर्वेद में कि एक सिप पानी मुंह में भरना, फिर उसको घुमाना चारों तरफ, और घुमा के फिर पूरी लार उसमें मिक्स हो जाए, फिर पीना, फिर 1-2 मिनट वेट करना, 1-2 मिनट में फिर उतनी लार बन जाएगी, फिर पानी को मुंह में लेना, फिर घुमाना, फिर पीना। यह तरीका आदर्श है, आइडियल है, ऐसे पानी पीना। आप बोलेंगे फायदा, फायदा सबसे बड़ा यह है कि बार बार लार अंदर गई तो पेट का एसिड आपने न्यूट्रल कर लिया। जिनका एसिड न्यूट्रल होता है उनको लाइफ में वात, पित्त, कफ तीनों न्यूट्रल रहते हैं, बढ़ ही नहीं सकते, घट भी नहीं सकते, और जिंदगी भर आप निरोगी रह सकते हैं। इतना पावरफुल सूत्र है कि सिर्फ पानी को घूट घूट करके पीना। मैंने इस सूत्र पर बहुत एक्सपेरिमेंट किए, और मेरे अलावा दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए। मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी, एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, वहां पर 2 साइंटिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे मेरा कंप्यूटर के माध्यम से दोस्ती हो गया, ईमेल के थ्रू। मैंने उनकी एक बार वेबसाइट पे क्लिक किया तो दोनों साइंटिस्ट 12 साल से एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दोनों नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, माने किडनी रोग के विशेषज्ञ। उनका ये एक्सपेरिमेंट है कि पानी घटाघट पियो तो क्या होता है, और पानी घूट घूट पियो तो क्या होता है। 12 साल से वो एक ही काम में लगे, 12 साल के बाद उन्होंने रिजल्ट दिया है और उसकी पूरी थीसिस तैयार की है। वो ये कहते हैं कि पानी जो घटाघट पिए तो रोग ही रोग शरीर में, वो बोलते हैं सबसे ज्यादा संभावना है एपेंडिसाइटिस की, दूसरी संभावना है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की। वो कहते हैं कि ये प्रोस्टेट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, एपेंडिसाइटिस के जितने भी प्रॉब्लम हैं, ये सब मैक्सिमम उन लोगों को है जो घटाघट पानी पीते हैं। और वो कहते हैं कि जो घूट घूट पानी पी रहे हैं, वो कहते हैं दिस इज आइडियल,
और वो कहते हैं कि भारत तो बहुत लकी है कि इस नियम का भारत को 3,500 साल से ज्ञान है, हमको तो अभी पता चला 12 साल पहले कि पानी घूट घूट पीना। उन्होंने अपने 100 से ज्यादा पेशेंट पर 12 साल ये काम किया जिनकी किडनियां खराब हो गई और जिनको डायलिसिस करना पड़ता था। ऐसे 100 पेशेंट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। उनका कहना है कि जितने पेशेंट को घूट घूट पानी पीने को उन्होंने बोला, सभी को डायलिसिस देर में हुआ। माने जैसे हर दिन डायलिसिस लगता है ना, घूट घूट पानी पीने लगे तो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, वो समय बढ़ता ही गया और अंत में 3-3 महीने में एक बार डायलिसिस उनको करना पड़ा और 6 महीने में करना पड़ा। और जो घटाघट पानी पीते हैं उनको हर दिन या हर दूसरे दिन डायलिसिस पे ले जाना। तब उन्होंने थीसिस तैयार किया। वो थीसिस को उन्होंने, एक बहुत बड़ी मैगजीन आती है लैंसेट उसका नाम है, लंदन से छपती है, उसमें दिया वो थीसिस। मैंने पढ़कर फिर उनको कांटेक्ट किया कि आपको ये पता कैसे चला घूट घूट पानी पीने का। तो उन्होंने कहा कि हमको किसी इंडियन ने बताया था जो अमेरिका में रहता है और हमने उसको सीरियसली ऑब्जर्व करने के लिए ये किया था। तो मैंने कहा हमारे भारत में तो 3,500 साल पहले ये पता। उन्होंने कहा हाँ हमें मालूम है लेकिन भारतवासी इसका पालन नहीं करते, इसका बहुत अफसोस है। अब वो दोनों इसका प्रचार करने में लग गए। वो कहते हैं पानी को घूट घूट पियो तो किडनी भी अच्छी रहेगी, लीवर भी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो आप इसको हमेशा याद रखिए कि पानी को घूट घूट पीना ही सबसे उत्तम है। और दूसरी जानकारी ये कि जब आप खूब ज्यादा पानी को मुंह में घुमा घुमा के पीते हैं और खूब सारा सलाइवा या सलीवा या लार आपके पेट में जाता है और पेट के एसिड को बैलेंस रखता है तो रक्त का एसिडिटी बढ़ नहीं सकता, तो फिर जिंदगी में रोग आने का चांस होता नहीं। मैंने ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे ऐसे लोगों पे किए जिनको मोटापा है, बहुत ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, जिनको मोटापा बहुत है, वजन उनका 150 किलो है, 160 किलो है, 170 किलो है। उनमें से कई की नौकरियां चली गई हैं सिर्फ इसलिए कि वजन ज्यादा है। उनको पिंक स्लिप दिए गए और उसमें लिख दिया गया कि माफ करिए, आदमी को तो हम काम पर रख सकते हैं, हाथी के बच्चों को नहीं रख सकते। 150 किलो, 160 किलो ऐसे मेरे दोस्त थे। फिर जब वो परेशान हो गए, नौकरी चली गई, घबरा गए, तब उन्होंने कहा आप बताओ क्या करें। तो मैंने कहा स्वामी जी का शिविर करो। तो उन्होंने कहा वो तो 7 दिन का हो गया, बेंगलोर में ऐसे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने 7 दिन शिविर किया, फिर उसके बाद कहते हैं हमसे नहीं होता। जितने दिन गए शिविर में उतने दिन हुआ, बाद में बंद हो गया। फिर कहता कोई सरल उपाय बताओ। तो मैंने कहा इतना ही करो, घूट घूट पानी पियो, इतना ही करो, और खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पियो। तो साल भर से ज्यादा है हुआ है, वो सब इसको फॉलो कर रहे हैं। अब किसी का वजन 160 किलो से 80 किलो हो गया, किसी का वजन 140 किलो से 70 किलो हो गया, किसी का वजन 165 किलो से 85 से 90 किलो रह गया। वजन इतना तेजी से घटता है घूट घूट पानी पीने से। और मेरे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिनका पेट बहुत ज्यादा बाहर आ गया था, उनका सभी पेट अंदर चला गया घूट घूट पानी पीने से।